न्यूज बीट्स के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बिश्नोई मंदिर में चल रही श्री जामवाहिनी में शामिल हुई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वर्तमान कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, बोली नहीं हुआ किसानों का कर्ज माफ। रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ को मिला प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड, रामपुर का वोकल फॉर लोकल के क्षेत्र में इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में हुआ चयन। बांदा पुलिस ने अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, भारी मात्रा में असलाह और उपकरण बरामद कर दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मुल्क भर में अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज, पुलिस फोर्स रही मौजूद, ड्रोन से की गई निगरानी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों से। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे बिश्नोई मंदिर में चल रही श्री जामवाणी में शामिल हुई। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह भाजपा कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में पूर्व कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को याद दिलाया, वर्तमान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को फसल के भाव पूरे नहीं मिलते। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का झूठा वादा किया, सरकार की सभी योजनाएं फ्लॉप हैं। ये प्रॉब्लम क्या आपकी वो ऑफलाइन थी, अभी मेरे को ये समझा रहे थे कि ऑफलाइन तो ठीक है कि हम तो ऑफलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं, परंतु जहां जमाबंदी वगैरह को ऑनलाइन चढ़ाने की बात हो जाती है वहां बहुत मुश्किल होता है कि वह समय नहीं दिया गया है। और इतने जल्दी तो आप भी जानते हो कि नहीं है कि हम तो ठीक है खरीद फरोख्त तो कर सकते हैं ऑनलाइन, परंतु आपको कुछ ही दिन पहले कह रहे हो कि हमारे जमाबंदी वगैरह है उसको भी हम ऑनलाइन कर दें, उसमें हमारे लिए बहुत कठिनाई हो जाती है क्योंकि कभी कभी वो ब्लॉक हो जाता है, कभी कभी हम ऑनलाइन जा नहीं सक रहे हैं, और फिर 2, 5, 10, 15 दिन भी लग जाते हैं तो खरीद फरोख्त भी रुक जाता है। और हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन में साधु संतों द्वारा हिंदुओं से 2 से अधिक बच्चे पैदा करने के सवाल पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले तो इन लोगों ने डराया कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हिंदू खतरे में है, मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, और अब ये उसी चैनल का एक पार्ट है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ये सब कुछ राजनीतिक है, साधु संतों के लिए ये बात शोभा नहीं देती। देखिए एक तरीके से इन्होंने पहले तो ये डराया कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हिंदू खतरे में हैं, मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, ये उसी चैनल का एक पार्ट रहेगा कि साहब ज़्यादा बच्चे पैदा करो। एक तरफ तो सब लोग कह रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आबादी रिसोर्सेज के हिसाब से हमारी अब नहीं बढ़नी चाहिए, दूसरी तरफ ज़्यादा बच्चे पैदा करो, तो आखिर ये सब कुछ जो है पॉलिटिकल है, किस तरह से लोगों को एक डर बिठा के बहुसंख्यकों के दिल में मुसलमानों का, और वोट की राजनीति करें, वोट पोलराइज करें। साधु संतों के लिए ये बात शोभा नहीं देती। मंदिर सरकारी मंदिर है क्या? अगर सरकारी मंदिर है तो गलत है, और अगर सरकारी मंदिर नहीं है तो भाई जो उसके मालिक हैं वो जिसको चाहें रखें, जिसको निकालें, इसमें कोई क्या कह सकता है। क्या सोचते हैं भाई, जिसके हस्बैंड मर गया हो, जिसके एक बेटा मर गया हो, क्या उसे अभी भी सबक नहीं सीखा उसने? प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड के लिए उत्तर प्रदेश के लिए के जिला रामपुर का भी चयन किया गया है। शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ को अवार्ड देकर सम्मानित किया। लोक प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के लिए यूपी के रामपुर जिले का चयन किया गया है। रामपुर जिले में कुपोषण उन्मूलन की दिशा में वोकल फॉर लोकल के क्षेत्र में इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसका चयन किया गया है।
बढ़ावा देकर मिलेट उत्पादन से बदल रही है अन्नदाताओं की तकदीर। बच्चों और महिलाओं की सेहत और किसानों की आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए टीम को शुभकामनाएं। अबादान जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अपराध की रोकथाम को लेकर और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में बबेरू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें भारी मात्रा में असलाह और उपकरण बरामद किए गए हैं। दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। के दृष्टिगत लगातार निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध असलहों का जो लोग प्रयोग करते हैं और जो उसको बनाते हैं, उन पर लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए थे और उनको बनाने पकड़ने के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। इसी क्रम में आज एक बड़ी सफलता थाना बबेरू टीम को लगी है, जिसमें कि हम लोगों ने एक बड़ी शस्त्र फैक्ट्री जो कि अवैध असलहे बनाती थी उसको हम लोगों ने पकड़ा है। इस शस्त्र फैक्ट्री को जो है उदय प्रताप रैदास, जो कि हरदौली एरिया का है, रहने वाला है, वो संचालित करता था। हम लोगों ने मुखबिर के माध्यम से व्यक्ति से तमंचे पता करने की कोशिश की, तो उस मुखबिर के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर एक फैक्ट्री चल रही है। उस फैक्ट्री को जब पकड़ा गया तो वहाँ पर हम लोगों को टोटल मिला कि 9 तमंचे मिले हैं, जो कि 5 जो है उसमें 315 बोर के हैं, 4 तमंचे हैं 12 बोर के, एक उसमें अवैध राइफल भी मिली है 315 बोर की। इसके अलावा हम लोगों को 22 जिंदा कारतूस मिले हैं, 38 खोखे मिले हैं और तमाम जो अवैध तमंचे बनाने के जो उपकरण होते हैं। अबादान जनपद के बबेरू नगर निकाय चुनाव में आज समाजवादी पार्टी से घोषित अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने शांतिपूर्वक नामांकन करवाया है। अभी तक का ये पहला नामांकन है। नामांकन के पहले पुलिस बल मौजूद रहा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सूर्यपाल सिंह यादव के नामांकन के मौके पर सपा पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर राम अवतार शिवहरे सहित अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार जो हमें प्रमाण पत्र मिला है कि आप समाजवादी पार्टी से नगर पंचायत का चुनाव लड़ेंगे और आज अथॉरिटी लेटर दिया है, उसी के अनुसार हमने आज पर्चा दाखिल किया। इसी को उपलक्ष्य में सब लोग इकट्ठा हुए। आपने 2 बार बबेरू के चेयरमैन रहे और इस बार लोगों से बहुत आपसे अपेक्षा है, तो नगर की विकास में आप क्या क्या जो अधूरे कार्य रह गए थे पीछे, तो आप कौन कौन से कार्य पूरा करेंगे? देखिए, जो भी कार्य रह गए, एक की बात नहीं करता, जो भी पिछले कार्य रह गए हैं, वैसे मैंने 2 पंचवर्षीय में प्रयास किया कि कोई रह न जाए। और आगरा के एयरफोर्स स्टेशन में फर्जी सीबीआई बनकर शातिर बदमाश ने अपने साथ 2 अन्य को प्रवेश कराने का प्रयास किया। ड्यूटी पर तैनात जवान ने सतर्कता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सिविल पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि आगरा एयरफोर्स के जूनियर वारंट ऑफिसर सहायक सुरक्षा अधिकारी अमर सिंह ने पुलिस को बताया कि एयरफोर्स स्टेशन के अजीत नगर गेट पर 3 व्यक्ति आए थे। उनमें से एक ने अपना नाम राजू अहिरवार बताया और खुद को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए पहचान पत्र दिखाया। उसने अपने साथ बैजनाथ अहिरवार और महेंद्र कुमार अहिरवार के कार्ड दिखाए और अंदर प्रवेश देने को कहा। सुरक्षा में तैनात जवान को फर्जी सीबीआई अफसर का आईडी कार्ड देखकर शक हुआ और उसने 3 को प्रवेश न देकर उन्हें किनारे खड़ा कर दिया और आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद इन 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। एक व्यक्ति फर्जी सीबीआई अधिकारी बना था और साथ में उसके 2 सहयोगी थे। ये 3 लोग एयरफोर्स स्टेशन में घुसने का प्रयास कर रहे थे, तभी एयरफोर्स पुलिस ने उन्हें डिटेन किया, उनसे पूछताछ की, उसके बाद उन्हें स्थानीय पुलिस को सौंपा गया था। हमने एयरफोर्स अधिकारियों के द्वारा दिए गए तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया और उसके आधार पर इन 3 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये 3 मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पूछताछ में ऐसी कोई भी हमारे बात नहीं आई है कि बहुत ही इस तरह की हो कि।
और जिला कानपुर में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त जो कि मेडिकल के दौरान उर्सला अस्पताल से फरार हो गया था, पुलिस ने उसे राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। 5 मार्च को ही इस घटना में एक आरक्षी को निलंबित भी किया जा चुका है। घटनाक्रम के मुताबिक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगी पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि अभियुक्त राजस्थान में छिपकर रह रहा है। इस पर पुलिस टीम मुखबिर के साथ राजस्थान राज्य के जिला अजमेर पहुंची, जहां थाना स्थानीय दरगाह थाना की मदद से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, दिनांक 5 मार्च 2023 को एक अभियुक्त मोहम्मद मुस्तकीम पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। उसके ऊपर 376 और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें कि उसे गिरफ्तार करके मेडिकल हेतु उर्सला अस्पताल ले जाया गया था, जहां से वो 5 मार्च को फरार हो गया था। इस मामले में एक अन्य मुकदमा 74/23 थाना नौबस्ता पर पंजीकृत किया गया था और कल इसे जिला अजमेर स्टेट राजस्थान से गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया गया है। ये लगभग एक हफ्ते के करीब कानपुर में इधर से उधर भागता रहा और उसके बाद ये भागकर अजमेर दरगाह के पास एक किराए पे मकान लेकर रह रहा था। कानपुर नगर पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और थाना नौबस्ता की टीम के संयुक्त ऑपरेशन से ये जिला अजमेर से गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर जॉइंट सीपी सर। रमजानुल मुबारक के आखिरी अलविदा जुमे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में पुलिस प्रशासन बेहद अलर्ट नजर आया। मस्जिदों के इर्द गिर्द पीएसी से लेकर पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। खुद बिजनौर के डीएम एसपी ने सड़कों पर उतरकर मस्जिद के आसपास स्थिति का जायजा लिया। बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा और एसपी नीरज कुमार जादौन ने मस्जिद के इर्द गिर्द अच्छे से स्थिति का जायजा लिया। यही वजह रही कि जिला बिजनौर में कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं पेश आई है। एसपी सिटी बिजनौर डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने मीडिया को जानकारी दी। जैसा कि आप अवगत हैं, आज जुमा अलविदा की नमाज है, कल ईद का त्यौहार है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण शहर में ईदगाहों पर और यहाँ जामा मस्जिद जहाँ आप खड़े हैं, पुलिस व्यवस्था बनाई गई है। सभी जगह सतर्कता बरती जा रही है ताकि नमाजियों को कोई असुविधा रास्ते में ना हो। इसी ध्यान में रखते हुए लगातार हमारी पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग कर रही है, सतर्कता बरती जा रही है, बाकी सब सामान है। और उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद में अलविदा जुमे के मौके पर सुरक्षा के मद्देनज़र जामा मस्जिद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही ड्रोन की निगरानी में अलविदा जुमे की नमाज़ अदा की गई। इस दौरान ज़िला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी जामा मस्जिद इलाके में मौजूद रहे और हर गतिविधि पर नज़र रखी। तो अलविदा की नमाज के अवसर पर सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। और आज अभी अलविदा की नमाज यहाँ जामा मस्जिद पे आप देख रहे हैं, अभी भी खत्म हुई है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण और अच्छे माहौल में यहाँ खत्म हुई है। जहाँ तैयारियों की बात है, पूरी व्यवस्था की गई थी। सुबह से ही साफ सफाई आज की पूरी व्यवस्था की गई थी, ट्रैफिक पूरी व्यवस्था की गई थी, पुलिस के चौबंद व्यवस्था थी। कल ईद में और हम लोग बेहतर तैयारियाँ करेंगे। ईद की भी कमाई तैयारियाँ लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। ईद की भी सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। भाईचारे का त्यौहार है, उसी भाईचारे से इसको सब लोग मनाएं। ये हम लोग सभी और उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर में पूरे अमन के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अलविदा की नमाज़ अदा की। मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए दुआ की गई। शुक्रवार को सुबह से ही ज़िला प्रशासन और नगरपालिका की तरफ से मस्जिदों के आसपास साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की गई थी। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायज़ा भी लिया। राजनीति में साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने वाले नेताओं को दबंगई कायम करने के लिए अवैध शस्त्रों की जरूरत पड़ती है। चुनाव के दौरे में तमंचे के बंदूक बेचने के लिए दो बदमाशों ने बड़ी तादाद में हथियार तैयार कर लिए थे, लेकिन मुरादाबाद पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर दो बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए भारी संख्या में बने अधबने शस्त्र बरामद कर लिए हैं। पुलिस अधिकारियों ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कार देने का ऐलान किया है।
उसके दृष्टिगत हम लोग लगातार निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध असलहों का जो लोग प्रयोग करते हैं और जो उसको बनाते हैं उन पर लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए थे और उनको बनाने पकड़ने के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। इसी क्रम में आज एक बड़ी सफलता थाना बबेरू टीम को लगी है, जिसमें कि हम लोगों ने एक बड़ी शस्त्र फैक्ट्री जो कि अवैध असलहे बनाती थी उसको हम लोगों ने पकड़ा है। इस शस्त्र फैक्ट्री को जो है उदय प्रताप रैदास जो कि हरदौली एरिया का है, रहने वाला है, वो संचालित करता था। हम लोगों ने मुखबिर के माध्यम से एक व्यक्ति से इसकी तमंचे पता करने की कोशिश की तो उस मुखबिर के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर एक फैक्ट्री चल रही है। उस फैक्ट्री को जब पकड़ा गया तो वहाँ पर हम लोगों को टोटल मिला कि 9 तमंचे मिले हैं, जो कि 5 जो हैं उसमें 315 बोर के हैं, 4 तमंचे हैं 12 बोर के, एक उसमें अवैध राइफल भी मिली है 315 बोर की। इसके अलावा हम लोगों को 22 जिंदा कारतूस मिले हैं, 38 खोखे मिले हैं और तमाम जो अवैध तमंचे बनाने के जो उपकरण होते हैं जैसे ड्रिलिंग मशीन है, नाल है और बने कई पार्ट्स हैं उसकी, वो सारी चीज़ें हम लोगों को बरामद हुई हैं और आगे भी इस चीज़ को हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ किसको बेचते थे और कौन कौन लोग इस गिरोह में शामिल हैं। बदायूं के थाना उसहेत इलाके के हरेंडी गांव के पास एक सड़क हादसा पेश आया है। बता दें कि कालसैन बाबा मंदिर में मुंडन संस्कार कराने जा रहे श्रद्धालु से भरा मैजिक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हो गए जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिद्धार्थनगर जनपद के थाना गुलहौर के अंतर्गत आने वाले मजहन कला गाँव में बाग में आम के पेड़ पर 35 वर्षीय व्यक्ति का शव फंदे से लटकता हुआ मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सीओ हरीश चंद्र ने बताया कि मजवन कला निवासी संतोष का फंदे से लटकता शव मिला है। शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नाम घनश्याम है बाबू, बेटवा नाम हमारा बेटवा हुआ और संतोष नाम है। 1 साल के ऊपर हो गए जिन्हें चौराहा पे रहा था मजवन कला में हम रही थे, मजवन कला में हमारा घर है। लड़का की उम्र लगभग कितना है? लड़का की उम्र 36 साल है। जिन्हें किसके साथ में रहता था? वो औरत के साथ में थी। और बच्चे कितने हैं इसके? बच्चे नहीं हैं। आज थाना गुलहरा के मजवान कला गांव में संतोष कुमार उम्र 35 वर्ष सन ऑफ घनश्याम द्वारा गांव के पास में पेड़ से फंदा लगाकर फांसी लगा ली गई। मौके पर थाना पुलिस एवं फील्ड यूनिट पहुंची है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के बिसौली नगर में स्थित डीपॉल स्कूल प्रशासन के खिलाफ अभिभावकों ने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर मनमानी, दुर्व्यवहार और अवैध वसूली का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने समझा बुझा कर मामला शांत कराया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने SDM के नाम नायब तहसीलदार को शिकायती पत्र सौंपा और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कहां मानना है योगी जी के आदेश को? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि डीपॉल स्कूल बिसौली है, इसके जो फादर हैं उससे पूरा स्टाफ परेशान है, गार्जियंस परेशान है इनके बिहेव से, और बच्चों को ये क्लास से छोटे बच्चे हैं, किसी की फीस जमा नहीं होती है तो उसे बाहर खड़ा कर देते हैं। ड्राइवर है इनका KP, जो शुरू से जब से विद्यालय चला सेवा कर रहा है बहुत बढ़िया स्कूल की, उसके बच्चे को छोटा बच्चा फीस जमा करने के बावजूद उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अलविदा जुमे के मौके पर सभी मस्जिदों में नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मुल्क में अमन और चैन की दुआएं मांगी गईं। मुफ्ती अमजद साहब ने जयपुर की जामा मस्जिद में नमाज अदा कराई। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से काफ़ी माकूल इंतजाम किए गए थे और ख़ास तौर से जो दुआ की उन्होंने इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, और ख़ास तौर से ये दुआ की कि हमारे देश के हुक्मरान वो ऐसे होने चाहिए, सबको साथ लेके चले और सबको एक मोहब्बत के साथ देखें, ये बहुत बड़ी बात है। और आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, तमाम रोजेदारों ने यहाँ दुआएं की,
और अल्लाह ताला आज के दिन की जितनी भी इबादतें होती हैं, दुआएं होती हैं, उसको कबूल फरमाते हैं। मिर्ज़ापुर में माह रमज़ान के आखिरी जुमे की नमाज़ शिया समुदाय के लोगों ने मरहूम एस एम अकील इमामबाड़े में अदा की। वाराणसी से आए मौलाना मज़ाहिर हुसैन किबला ने नमाज अदा कराई। नमाज में से पहले मौलाना मज़ाहिर हुसैन ने खुतबा दिया और खुतबे के दौरान मौलाना ने माह रमज़ान की फजीलतों को बताया और कहा कि अल्लाह ने इस मुबारक महीने में अपने बंदों पर रहमतें बरसाता है और ये महीना बड़ी बरकतों का होता है। बाद नमाज मुल्क में अमन चैन की दुआ की गई। रमज़ान के आखिरी जुमे को जुमतुल विदा कहते हैं, चूँकि रमज़ान को रुख्सत करते हैं, जैसे विदा किया जाता है यानी रुख्सत करते हैं, लिहाजा ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहमियत का हामिल है और तमाम मुसलमान कोशिश ये करते हैं कि कोई मरीज़ भी हो, कोई बूढ़ा भी हो तो इसमें शरीक हो जाए ज़रूर। ये इसलिए कि ये भी गरीबों की ईद का सामान है और इसे हफ्ते की ईद और गरीबों की ईद कहा गया है, हज्जुल मसाकीन कहा गया, हज है ये। ज़ाहिर है कि इस बुनियाद के ऊपर आज इसकी अहमियत और ज़्यादा हो जाती है कि आज ही के दिन को इमाम खुमैनी ने यौम कुद्स के नाम से मनाने के लिए कहा, रमज़ान का आखिरी जुमा यानी जुमतुल विदा। रमज़ान महीने का अंतिम जुमा शुक्रवार आज है और आज प्रदेश भर की मस्जिदों में अलविदा की नमाज हुई। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद सभी ज़िलों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। इसी कड़ी में एडीजी जोन कानपुर आलोक सिंह, डीएम और एसपी ने सभी जगहों पर स्थिति का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मिलकर शांति बनाए रखने की अपील की। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएँ भी अधिकारियों से साझा की। और उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर में महीने भर के रमज़ान के बाद ईद की खुशियां मनाने के लिए हर कोई बेताब नज़र आ रहा है। वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ईद की बाज़ार में ख़रीदारी तेज़ हो गई है। सुबह से लेकर रात तक लोग अपने परिवार सहित अपने बच्चों के लिए और बाज़ार में कुछ ना कुछ ख़रीदारी करते नज़र आए। शहर के घंटाघर, रेती, शाह मारूफ, गोरखनाथ, रसूलपुर, जाफरा बाज़ार और कई बाज़ारों में चहल पहल तेज़ हो गई है। लोगों ने कपड़े, जूते, टोपी, कुर्ता पजामा और कई चीज़ें, ज़रूरत के सामानों की ख़रीदारी के लिए बाज़ार में भीड़ लगी रही। और आखिर में एक बार फिर नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। बिश्नोई मंदिर में चल रही श्री जामबाड़ी में शामिल हुई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वर्तमान कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, बोली नहीं हुआ किसानों का कर्ज माफ। रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ को मिला प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड, रामपुर का वोकल फॉर लोकल क्षेत्र में इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में हुआ चयन। बांदा पुलिस ने अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, भारी मात्रा में असला और उपकरण बरामद कर दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और मुलबर्ग में अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज, पुलिस फोर्स रही मौजूद, ड्रोन से की गई निगरानी। और बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।